रंगनाथपुर के गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टुनटुनी के दो बच्चे थे, चिंकी और कालू। जो कि टुनटुनी अकेली थी, वो कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पालती थी। उसके बच्चे भी उसकी बहुत मदद करते थे। माँ, तुम अकेले कितनी मेहनत करती हो, अगर हम भी तुम्हारे साथ काम पर जाएंगे तो हम भी थोड़े पैसे कमा पाएंगे ना माँ। मेरे कर्म ही फूटे हैं जो मुझे तुमसे भी काम करवाना पड़ जाए। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। टुनटुनी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से चिंकी और कालू रोज अपने लिए काम ढूंढने निकल जाते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन चिंकी को छोटे बच्चे को संभालने का काम मिलता है। चिंकी बहुत ही खुश होती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे एक काम मिला है। वो अपने गांव में टुन्नू और सुंदरी नाम के डॉक्टर पति पत्नी रहते हैं ना, उन्होंने कहा है कि उन्हें हर रोज 3 घंटे के लिए गांव भर में काम के सिलसिले में जाना पड़ता है। कहा है कि जिस समय वो बाहर काम के लिए निकलेंगे तो उनके बेटे को मैं संभालूंगी, उस बदले में वो मुझे पैसे देंगे माँ। अच्छा काम है ना माँ, मना मत करना। ठीक है, तो क्या उन्होंने कल से आने के लिए कहा है, चली जाना। चिंकी की बात सुनकर कालू सोच में पड़ गया। दीदी को तो काम मिल गया, मुझे ही कोई काम नहीं मिला। अगर मुझे भी कोई काम मिल जाता तो कितना अच्छा होता, हम ढेर सारे पैसे कमाकर आराम से रह पाते। अगले दिन काम पर निकली अपनी माँ टुनटुनी के लिए कालू घर से खाने का डिब्बा लेकर गया। पर बाजार पहुंचकर देखा तो बबली नाम की एक औरत टुनटुनी को पानी के छींटे मार रही थी। कालू ने जैसे ही देखा वो पहले घबराया, बबली के पास जाकर बोला, आंटी क्या हुआ है मेरी माँ को, बताओ ना क्या हुआ है मेरी माँ को, और वो इस समय यहाँ पर क्यों लेटी है, और आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो, बताओ ना क्या हुआ है मेरी माँ को, आप कुछ कहती क्यों नहीं, बताओ ना। पता नहीं बेटा क्या हुआ है तुम्हारी माँ को, अच्छा खासा काम कर रही थी, अचानक उल्टियाँ करने लगी, फिर देखो बेहोश हो गई है। ये सुन कालू को चिंकी जिन डॉक्टर के वहाँ काम कर रही थी उनकी याद आई। उसने तुरंत अपनी माँ को उठाया और डॉक्टर के पास ले आया। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर चिंकी घबरा कर उसके पास गई। भाई क्या हुआ है माँ को, तुम उनको ऐसे क्यों लेकर आए हो। उनकी बातें सुनकर टुन्नू और सुंदरी बाहर निकल आए। चिंकी ये तुम्हारी माँ है, इन्हें हुआ क्या है। पता नहीं डॉक्टर अंकल मेरी माँ को क्या हुआ है, सुना है बाजार में काम करते करते अचानक से चकरा कर गिर गई, आप मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर अंकल। हाँ हाँ ठीक है, हमारा तो यही काम है। उसके बाद टुन्नू टुनटुनी की बहुत देर तक जांच पड़ताल करता है। वैसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दरअसल तुम्हारी माँ को लू लग गई है, और इतनी तेज लू लगी है कि जब तक वो ठीक ना हो जाए, उन्हें अगर हल्की सी गर्म हवा भी लगी तो उन्हें उल्टियाँ हो सकती हैं, सर चकरा सकता है, और वह ऐसे ही बेहोश हो सकती हैं। वैसे तुम्हारा घर ठीक तो होगा ना, कहीं से धूप तो नहीं आती है ना, और घर में तुम्हारे ठंडा तो होगा ना। जैसे ही डॉक्टर ने ये पूछा, चिंकी और कालू एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है कि तुम्हारे घर में सुविधा नहीं है। सुंदरी तुम बच्चे को आज संभाल लो, और कालू और चिंकी तुम दोनों जाकर अपने घर को ठीक कर लो। चिंकी और कालू अपने घर की मरम्मत के लिए अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, पर उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने तो कहा है हमें अपने घर को ठंडा रखना है, पर इतनी गर्मी है कि हम खड़े खड़े ही भूने जाएंगे, अब हम माँ को गर्मी से कैसे बचा पाएंगे। वे दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी उनको एक ठंडी हवा का झोंका छू कर निकला। दीदी दीदी तुमने अभी गौर किया कि हमें ठंडी हवा का झोंका छू कर गया है। हाँ भाई यही पास में खेती है ना, तो ठंडी हवा लहराती है। ओ अच्छा,
ढेर सारी घास ले जाकर अपने घर में बिछा दे, जिससे घर ठंडा हो जाएगा ना। जैसा कि उन्होंने सोचा, उन्होंने ढेर सारी हरी घास काटी और अपने घर की छत पे पूरी तरह से अच्छे से फैला दिया। फिर वे तुरंत डॉक्टर के घर गए और अपनी माँ को लेकर घर वापिस आए। हरी घास की वजह से जो घर में ठंडक थी उसे महसूस कर टुनटुनी ने अपने बच्चों से कहा, अरे बच्चों, ऐसा क्या जादू कर दिया है जिसकी वजह से घर में इतनी ठंडक है? ये चिंकी और कालू का बम्पर मैजिक है माँ। हरी घास की वजह से उनके घर में इतनी ठंडक रहती थी मानो घर में एसी चल रहा हो। टुनटुनी की सेहत भी बहुत जल्दी ठीक हो गई। ये देख के कई गांव वाले चिंकी और कालू को घास के घर बनाने का काम देने लगे। इस काम के बदले उन्हें ढेर सारे पैसे भी मिलते थे। इस तरह कालू और चिंकी अपनी समझ बूझ से ढेर सारे पैसे कमाने लगे और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे।